लालू यादव जहां से पहली बार 1977 में सांसद बने थे, वहां से उनकी बेटी जो लालू यादव को नया जीवन दी है वो चुनाव मैदान में है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी जी, छपरा से आप चुनाव लड़ रही हैं, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है और मुद्दे क्या होंगे? जनता का तो आप देख रहे हैं, सुबह से कवर कर रहे हैं। एक जनता को तो आप सुबह से रिस्पांस देख रहे हैं, मतलब एक इंच रोड पे बचा नहीं है कि खाली मिले आपको। जगह जगह मैं 3-3 घंटा डिले चल रही हूँ अपने आगे का प्रोग्राम से। ये तो जनता, सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी के लिए, जो गले लगाई है अपनी इस बेटी को, जिसके लिए विरोधी भी अपने भगवान से लड़ाई करने के, भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया। यहाँ तक कि सबने बोला कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो। तो वो जनता, सारण की जनता, माँ बहन जितने भी मेरे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, सब कोई का आशीर्वाद है, प्यार है जो मुझे मिल रहा है। आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ 400 पार की बात की जा रही है, आपके विरोध में यहाँ से जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, वो चुनाव मैदान में है। रहने दीजिए ना, 400 पार या 4 सीट गिरा दे वही बहुत बड़ी बात है। ये तो जनता ना डिसाइड करेगी, आप और हम और चाहे वो बोलने वाले कौन होते हैं। मुझे अपने सारण की जनता पे पूरा भरोसा है कि ये इस बार अपनी सारण की बेटी बहन को भारी मतों से अपना आशीर्वाद देंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद सबका लेने आई हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारण की जनता अपनी इस बेटी को गले लगा रही है और आशीर्वाद देंगे। और मेरे सारे आपने अपने पिता को किडनी दिया है, क्या आपको रिटर्न गिफ्ट छपरा से मिलेगा, सारण से मिलेगा? रिटर्न गिफ्ट ना, क्या चीज़ का रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट कोई अपने पिता पुत्री से मांगता है? ये तो ऊंची सोच वाले लोग रिटर्न गिफ्ट किसी लालच में आते हैं, हाँ, कोई भी काम करने के लिए। ये मेरा पिता 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 पुत्री का ये प्यार है, समर्पण है, उसको ये लोग गाली देते हैं। मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि विरोधियों के घर भी बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो, जो बुढ़ापे में चाहे अभी भी अपने माँ बाप का वो लोग भी सम्मान करें। वो तो ना कर पाए, अच्छा संस्कार अपने बच्चों को ना दे पाए, ना खुद संस्कार पाए, लेकिन मेरा वही है, भगवान से दुआ है कि भगवान उनके घर में भी रोहिणी जैसी बेटी। क्या चुनौतियाँ होंगी इस चुनाव में? चुनौतियाँ कहाँ, मुझे तो नजर नहीं आ रही चुनौतियाँ। अब सारण बेटी के आगे कोई किसी की चुनौती हो, जो बेटी से करे प्यार वो रोहिणी से कैसे करे इंतजार? तो ये थी रोहिणी आचार्य जो यहाँ पर सारण में चुनाव प्रचार कर रही हैं, और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर यह कहा कि तैयारी पूरी है और अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ता है।